हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट फिजिक्स का चैप्टर, जो कि क्लास टेंथ का चैप्टर है। और हम लोगों ने इसके ऊपर पहले भी वीडियोस बनाए हैं, जिसमें हम लोगों ने लाइट का एक इंट्रोडक्शन पढ़ा था और लाइट में हम लोग क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मिरर के कितने टाइप्स और कितने फीचर्स होते हैं, मतलब कि मिरर के कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, अब आप जानना चाहते हो कि मिरर क्या होता है, कितने टाइप्स के मिरर होते हैं, तो इसके ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप जाके उसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। पार्ट वन और पार्ट टू, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी एक इंट्रोडक्शन हम दे दें कि मिरर तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा कनकेव मिरर, एक होता है हमारा कन्वेक्स मिरर और एक होता हमारा प्लेन मिरर, ठीक है। तीन टाइप के मिरर यहाँ पे होते हैं। हमको बेसिकली कनकेव और कन्वेक्स को पढ़ना है, ठीक है ना। प्लेन मिरर को हम लोग इतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, क्योंकि प्लेन मिरर मतलब सिंपल होता है। इसका फीचर भी हम लोगों ने पढ़ा था पहले वीडियो में, आप जाके इसको देख लीजिएगा। एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि प्लेन मिरर का जो इमेज फॉर्म होता है उसका फीचर्स क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो उसके ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियो बनाया, आप जाके देख लीजिएगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कनकेव एंड कनकेव मिरर के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं एक चीज बता दूं कि कनकेव मिरर कुछ इस तरीके का दिखता है और कन्वेक्स मिरर कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है ना। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा इस तरीके से, तो आप जब एक चम्मच लोगे तो चम्मच का जो अंदर वाला, मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेकंड। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो चम्मच का अंदर वाला पोर्शन है ये भी एक मिरर की तरह एक्ट कर रहा है, इसमें भी रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा, आपका फेस आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये भी एक मिरर की तरह काम कर रहा है, लेकिन ये जो अंदर में गड्ढा है तो ये कौन सा मिरर हो गया, ये हो गया एक कनकेव मिरर, क्योंकि इसमें एक केव है अंदर की तरफ, ठीक है ना। और ये जो बाहर की तरफ निकला हुआ है ये देखिए, है ना, सेम इस तरीके से, तो ये हो गया हमारा कन्वेक्स मिरर। आपको समझ में आ गया होगा, ये कनकेव ये कन्वेक्स दोनों ही तरफ से रिफ्लेक्शन होता है। अभी देखने में तो बड़ा सिंपल लग रहा है, लेकिन इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं, मतलब कि ये जो चीज है इसका भी एक पार्ट होता है। हम दिखा दे रहे हैं आपको, देखिए जैसे ये जो मैंने बनाया है, जरा ध्यान से आप देखिएगा, ये जो मैंने बनाया है इसको, ये भी किसी एक सर्कल का पार्ट है, ठीक है ना। आप देख सकते हो सर्कल का एक पोर्शन है, जैसे कि ये एक सर्कल है, तो मैं इसको अगर यहाँ से ब्रेक कर दूंगा तो इस वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन कनकेव हो जाएगा और ये वाला पोर्शन कन्वेक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक स्फेयर का पार्ट है, सर्कल नहीं, स्फेयर। अब सर्कल और स्फेयर में क्या डिफरेंस आपको पता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं इसको अगर थोड़ा सा डॉट 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 करके दिखाऊं तो ये एक सर्कल का पार्ट है। अब इसी सर्कल के पार्ट में हमको कुछ पार्ट्स देखने हैं, यानी कि ये जो स्फेयर है जिससे ये मिरर बना है वो एक स्फेयर है, मतलब कि आप समझ रहे हैं ना, एक स्फीयर का पार्ट है ये मिरर, ठीक है ना। ये जो चम्मच है ये एक स्फीयर का पार्ट है, तो इसका उस जिस स्फीयर से वो बना है, यानी कि जिस स्फीयर से वो बना है उसके अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं, जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि बेसिकली हम लोग पार्ट ऑफ अ मिरर पढ़ेंगे कि ये कनकेव मिरर है तो इसके कितने पार्ट्स होते हैं और ये कन्वेक्स मिरर है तो इसके कितने पार्ट्स होते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सामने वाला हमारा मिरर है और ये भी एक सर्कुलर स्फीयर का पार्ट है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोगों को कुछ पार्ट्स जो है यहाँ पे देखने, आप देख सकते हो यहाँ लिखा है सी एफ आर, ये सब चीजें हमको डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज आपको मैं बता देता हूँ, ये जो स्फीयर होता है जिससे ये मिरर बना होता है उसका जो सेंटर होता है, स्फीयर का जो सेंटर होता है, ठीक है ना, ये जो स्फीयर होता है इसका जो सेंटर होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और जो मिरर का जो सेंटर होता है, जैसे आप देख सकते हो ये एक मिरर है, इसका जो सेंटर होगा ये सेंटर क्या होगा, ये होगा इसका पोल, ठीक है ना। ये क्या होगा? पोल, जो मिरर का सेंटर होगा। और ये मिरर जिस स्फीयर से बना है उसका जो सेंटर होगा वो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये चीज समझ में आ गया। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस वो चीज होता है जो सीओसी, क्लैश ऑफ क्लैन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सीओसी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, को ज्वाइन करते हुए पोल से पास करे, ठीक है ना। पोल पे एंड नहीं करेगा, ये पास कर जाएगा इस तरीके से। इस चीज को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करते हुए पास कर जाएगा उसको हम लोग बोले प्रिंसिपल एक्सिस। आप यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम में, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को पास कर रहा है, ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पे देखिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, पोल हो गया, और अब बात करते हैं एपर्चर की। तो एपर्चर क्या होता है? इट इज द इफेक्टिव डायामीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, यानी कि ये जो स्फेरिकल मिरर है इसका जो डायामीटर है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप, ये जो डायामीटर है, ये जो इसका पूरा स्फेयर का जो पूरा डायामीटर है इसको हम लोग बोलते हैं
अपर्चर, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अपर्चर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो स्फीयर का जो ये पूरा डायमीटर होता है इसको हम लोग बोलते हैं अपर्चर, और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ये हमारा हो जाता है अपर्चर का हाफ, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो डिस्टेंस होता है ये इस डायमीटर का हाफ हो जाता है, क्योंकि ये डायमीटर है तो ऑब्वियसली ये हाफ हो जाएगा। अब इस चीज को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यानी कि इस स्फीयर का या फिर इस कर्वेचर का जो रेडियस है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस है ये इसका रेडियस है, तो इस कर्वेचर का रेडियस है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब दो चीजें हमको यहाँ पे मेन जो इम्पोर्टेंट है वो समझनी है, वो है फोकस और फोकल लेंथ, ठीक है। ध्यान से समझिएगा फोकस और फोकल लेंथ क्या होती है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि ये कनकेव मिरर है, ठीक है, ये मैंने लिया है कनकेव मिरर है, ये हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये हमारा है पोल जो मैंने अभी आपको बताया, ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक चीज देखिए, मान लीजिए कि मैंने कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे किसी ऑब्जेक्ट को रखा, कुछ भी रख सकते हैं हम, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो इससे जो पैरेलल रेज निकलता है, ठीक है ना, पैरेलल मतलब समझते हैं ना इस तरीके से स्ट्रेट, इस तरीके से, तो जो पैरेलल रेज इससे निकलेगा आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से इस ऑब्जेक्ट से जो पैरेलल रेज निकलेगा, आ रहा है ना समझ में, तो ये जो पैरेलल रेज है ये कहाँ पे आके गिरेगा, इस मिरर पे। ये कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है ना, तो इस कॉनकेव मिरर पे आके जब ये गिरेगा तो ऑब्वियसली है कि मिरर पे गिरेगा तो रिफ्लेक्शन होगा, तो ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगा, ये थोड़ी ना पास कर जाएगा, ये तो या इस तरफ रिफ्लेक्ट करेगा या इस तरफ रिफ्लेक्ट करेगा, तो यही चीज हमको यहाँ देखना है। तो जब ये पैरेलल रेज आया मिरर पे गिरा, ठीक है ना, तो ये आने के बाद रिफ्लेक्ट करेंगे, और रिफ्लेक्ट करने के बाद तीनों जो पैरेलल रेज थे वो एक पॉइंट पे मीट करेंगे, ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा है ना, तीनों जो पैरेलल रेज थे वो रिफ्लेक्ट करने के बाद एक पॉइंट पे मीट करेंगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से वो एक पॉइंट पे मीट करेंगे, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे फोकस, क्या बोलेंगे, फोकस, ठीक है। यानी कि पैरेलल रेज आने के बाद जब रिफ्लेक्ट होगा तो ये एक पॉइंट पे मीट करेगा कनकेव मिरर में, कनकेव मिरर के केस में, ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे फोकस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और फोकस से पोल तक का जो डिस्टेंस होगा ये हमारा हो जाएगा फोकल लेंथ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया, यानी कि फोकस से पोल तक का जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा हमारा फोकल लेंथ, ठीक है। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बता दिया, पोल बता दिया, अपर्चर बता दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर बता दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर बता दिया, फोकस बता दिया, फोकल लेंथ बता दिया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे टर्म्स के बारे में और रे डायग्राम्स के बारे में। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।